भाइयों, हमारे बाबा साहब जी ने जिस मुहिम को इतने सालों तक चलाया और जिस मुहिम को आगे चलाने के लिए छोड़ गए हैं, हमारे बाबा साहब ने हम सभी के लिए, हम पूरी दलित समाज के लिए सालों तक संघर्ष किया। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि कैसे ये मुट्ठी भर समाज हम पूरे बहुजन समाज को अपने मुट्ठी में लिए हुए है। सिर्फ थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करके हम सबको अपने पीछे लगाए हुए हैं और हम लोग भी शोषित होते जा रहे हैं। हमारा इस देश में 85% है और ये सिर्फ 15%। मैं आप सभी लोगों को इस कलम के द्वारा बताना चाहता हूं कि ये ढक्कन वो 15% लोग हैं और बाकी 85% हमारा बहुजन समाज। अगर इस ढक्कन को इस कलम से निकाल भी लिया तो इस कलम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वैसा ही काम करेगी जैसा करती आई है। लेकिन ये 15% बेकार है, इसे हम फेंक भी सकते हैं पर हम इसे फेंकेंगे नहीं। हम ये नहीं करते जो ये करते आए, हम इसको अपने साथ ही जोड़कर रखेंगे, इसके पीछे लगाकर, क्योंकि हमें यह बताना है कि हमारी शांति का मतलब यह नहीं कि हमें हमेशा दबाया जा सकता है। जिस दिन यह बहुजन समाज खड़ा हो गया, इन 15% लोगों को हम इस देश से बाहर फेंक सकते हैं, लेकिन हमने हमेशा भाईचारा चाहा है और हमेशा उसी पे अडिग रहेंगे। लेकिन कभी ये इन लोगों को मौका नहीं देंगे कि ये हमारा हक भी छीन ले। हमें अपना हक अब खुद उनसे छीनना पड़ेगा। भाइयों, आप इस कांसीराम का सहयोग करो। मैं आपसे वादा करता हूं कि वही हक वापस दिलाऊंगा जिसके लिए हमारे बाबा साहब जीवन भर संघर्ष करते रहे। भारत में ये कर रहे रखवाली, किस काम का किसी को भी मांगते ना दाम। वाजी वाह धन्य कांशीराम, वाजी वाह धन्य कांशी।